मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। घर में नानी के साथ मौजूद 1.5 वर्षीय बच्ची शनिवार की शाम रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। घटना से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। उसके नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कबाड़ी मोहल्ला निवासी 1.5 वर्षीय सियांसी पिता अरुण लोनिया शनिवार की शाम रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। घटना के समय बच्ची को माता पिता नानी के पास छोड़कर लड़की लेने चले गए थे। नानी जब काम में व्यस्त हो गई तो शाम करीब 5 बजे रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। जब परिजन वापस लौट कर आए तो बच्ची को गायब देखकर उनके होश उड़ गए। काफ़ी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। 1.5 वर्षीय बच्ची के लापता होने की खबर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश में सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस ने CCTV कैमरा चेक किया, लेकिन बच्ची रोड तरफ जाती नजर नहीं आई। घर से कुछ कदम की दूरी पर बीहर नदी स्थित है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बच्ची खेलते हुए नदी में गिर गई हो। पुलिस ने रविवार को गोताखोरों की टीम बुलवाई, जिन्होंने बीहर नदी में उसकी तलाश की है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एडिशनल SP विजय डावर ने बताया कि बच्ची को ढूंढने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नदी में भी सर्चिंग की जा रही है और आसपास भी उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ला आता है, पास में ही एक बीहर नदी है। कल संभवतः 5 बजे का घटनाक्रम है, जिसमें यह बताया गया था कि एक 1.5 वर्षीय बालिका घर से कहीं चली गई है, गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। जब संपूर्ण घटनाक्रम उसके लड़की के पिताजी से पता किया तो उसके द्वारा बताया गया था कि दोपहर में उसके द्वारा 12 बजे करीबन बच्ची को लेकर नदी में नहाने गया था और करीबन 1.5 घंटे तक वो नदी में नहाता रहा। उसके बाद वो आया, आने के बाद में उसने जो है बच्ची को घर पे दिया और पत्नी को लेकर स्वयं जो है लकड़ी और सामान लेने चला गया। जब वापस आया तो वो बच्ची नहीं मिल रही थी। संभवतः बच्ची, चूँकि उसका घर नदी के बिल्कुल लगा हुआ है, पास में ही है, 10-50 मीटर की दूरी पर ही है, तो प्रथम दृष्टया तो यह तथ्य सामने आ रहा है कि हो सकता है कि बच्ची दोबारा नदी तरफ गई हो और किसी ने देखा नहीं हो, नदी में वो डूब गई हो। अभी सर्चिंग, हमारी पार्टी कल भी सर्चिंग की थी काफ़ी नदी के आसपास, आज भी सर्चिंग की जा रही है। जो भी जानकारी सामने आती है उसके आधार पर इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।